गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मेरा जन्मदिन भी है आज, तो मेरी बेटी ने कल मेरे लिए केक बनाया था। वैसे हर जब भी मेरा बर्थडे होता है वो कुछ ना कुछ करती है, और दोनों बच्चे मेरे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और सुबह से सब लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने भी कर दिया मुझे। और मैं मुझसे बोली भी थी कि 12 बजे रात को मम्मी केक काटना, लेकिन मुझसे ये ना हो सका, क्योंकि देखिए हम लोग इतने खुले माहौल से नहीं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो इतना होते हैं, मिडिल क्लास लोग भी होते हैं, करते हैं सब चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं अपना बर्थडे केक 12 बजे रात को काटूं। बच्चे होते, बच्चों का बर्थडे होता तो चलो मैं कर भी देती, लेकिन मुझे अच्छा। और वैसे मैंने कहा था बेटा मैं ये कल काट दूँगी, आज के लिए बोला था मैंने कल काट दूंगी, बोली नहीं जिद करने लगी काट। लेकिन फिर हम लोगों ने समझाया कि बेटा अच्छा नहीं लगता है, फिर तुम वीडियो कह रही हो बनाओ उसमें तो ये नहीं अच्छा लगता है कि जो 4 लोग देखें वो मेरे मोहल्ले के भी लोग होंगे, और भी लोग होंगे तो देखेंगे हंसेंगे, देखो ये क्या है। क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 12 बजे रात को केक काटना चाहिए था, तो मैंने कहा था उसके मन की मैं करूँगी। आज उसका उसका बनाया, दोनों बच्चों ने मिल के बनाया था, बहुत मेहनत करी उस केक के लिए, तो आज मैं उसका केक जरूर काटूँगी। तो गुस्सा भी हो गई थी मुझसे, लेकिन मैंने उसको मना लिया कि ये सब बेटा अच्छा नहीं लगता है कि 12 बजे रात को। हम लोग इतने मतलब खुले हुए तो नहीं है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा खुले हुए हों कि नहीं 12 बजे रात को सेलिब्रेट करना है, ये करना है, वो करना, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा। और बच्चों का होता तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट रहता हूँ हमेशा, मैं अपने बच्चों का बर्थडे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से हम दोनों लोग मनाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन मैंने अपने बर्थडे का, मैं एनिवर्सरी भी नहीं थी, बर्थडे थी, मेरी बर्थडे थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही केक बनाया है बच्चों ने, तो आज तो ज़रूर मैं उसका केक काटूंगी। आज वो मुझसे दोनों बच्चे मुझसे गुस्सा भी हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को मना लिया है। और मैं अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब में आई हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या खाना बना रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं और ये सब दिखा रही हैं यूट्यूब में, तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या ये ख़राब होता है? काफ़ी लोग यूट्यूब में इस तरह से काम कर रहे हैं, और मैं कुछ अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, तो उसमें हंसी की क्या बात है? हर लोग अपने तरीके से ज़िंदगी में, अपने घर में रह कर, बच्चों को संभाल कर, बच्चों की देख रेख, हस्बैंड की देख रेख कर कर मैं ये सब काम कर रही हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज लोग हंस रहे हैं क्योंकि मेरा अभी चैनल, मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो इतना अभी मतलब अभी लोग शुरू कर रहे हैं। यही होता है ना कि जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ 4 लोग अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग बुरा ही कहते हैं, कुछ अच्छा भी कहते हैं, कुछ बुरा भी कहते हैं। तो जो लोग हंसते हैं हंसने दीजिए, जो लोग मुझे प्रोत्साहन करते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे मेरे लिए हैं, जो लोग हंसते हैं वो लोग भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और जो कल मेरे दोनों बच्चों ने मिलकर केक बनाया था, तो वो मैं क्लिप आज डाल रही हूँ, और आज मेरे बच्चे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या गिफ्ट प्लानिंग करी है, वो तो सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं ड्राइंग रूम में तो उसी समय ये सब मैं समझ रही थी कुछ हो रहा है कुछ दरवाज़ा बंद करके, लेकिन मुझे कुछ दिखाया नहीं। तो वो जब वो पढ़ाई करते हैं शाम रात को, तभी उन्होंने कुछ करा है, दोनों लोगों ने क्या गिफ्ट दे पैक किया है, क्या देखा है, मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ हो रहा है ड्राइंग रूम, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, वो सरप्राइज ही बोल रहे थे। तो क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं आज वो मुझे, तो वो तो आपको आज कल ब्लॉग में देखने मिलेगा। लेकिन जो मेरी बेटी ने केक बनाया है और कितने मन से बनाया है दोनों बच्चों ने मिलकर, और जो भी क्लिप है वो मैं आज डाल रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपना बर्थडे केक। सबसे पहले हम कढ़ाई को यहाँ प्रीहीट पे लगा लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, इसको सेम आंच पे रखेंगे। तो ये हमारा फ्लावर है, अब हम इसको इसमें डाल लेंगे, ये 1 कप है। इसको हम लोग चाल लेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह है वो ना रहे। अब
तो मैं अब इसमें ये जो मेरी पिसी हुई शक्कर है वो डालूंगी। मैं कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ, इस वजह से मैं इसमें कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोकोआ पाउडर बचा रही हूँ क्योंकि जब मैं क्रीम बनाऊंगी मैं उसमें डालूंगी। तो मैं इसमें हाफ स्पून से कम बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें हाफ स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाल लूंगी। उसके बाद एक पिंच सॉल्ट डाल लेना। तो जितने भी हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहले हम उनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। हमारा रिफाइंड ऑयल है, बिना फ्लेवर का ऑयल डालिएगा जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। बाद हम इसमें दही डाल लेंगे। उसके बाद ये दूध है हमारे पास, उसमें हम थोड़ा सा दो बूंद विनेगर डाल लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स करके रख दिया, हम इसे 2 मिनट के बाद डालेंगे। तब तक इसे मिक्स कर ले रहे हैं। तो उसमें हम कॉफी में थोड़ा सा गर्म पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये जो पानी है कॉफी है वो हम इसमें डाल लेंगे। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब जो हमने दूध रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे। फिर हम जो बाकी का बचा दूध है वो भी डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास वनीला एसेंस है, उसके 2-3 बूंद डाल देंगे हम लोग। ये देखिए बिल्कुल ये बनकर रेडी है। इस तरीके से मैंने मम्मी को देखा करते हुए, तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको बाउल में डाल देंगे जिसमें हम इसे गर्म करने के लिए रखेंगे। सबसे पहले हम बाउल को रेडी कर लेंगे। उसमें हम लगा लेंगे हमारा जो ऑयल था वो, जैसे अगर आपके पास बटर है तो आप बटर लगा लीजिए। देखिए हमने बटर पेपर लगा लिया अपना। एक बार फिर से इसमें ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद हमारा बैटर है वो हम इसमें डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से टैप कर लीजिए। ये देखिए हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको कढ़ाई में रख देंगे। तो हमने केक को बेक होने के लिए रख दिया है, 40 मिनट तक रखे रहने देंगे। उसके बाद अब हम इसकी क्रीम की तैयारी करने जा रहे हैं। बस फ्रेश क्रीम है, हम इसको निकाल लेंगे। चॉकलेट क्रीम बनानी है तो हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। तो
तो हमारे पास ये बीटर है जिससे हम इसको करने वाले। तो हम इसी से यहाँ कर पे पाउडर शुगर डाल लेंगे। तो अभी ये क्रीम को अनसूप करने लगे हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से कर रही थी और इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है करने में। तो अनसू ने कहा कि मैं कर ले रहा हूँ, तो फिर वो कर रहे हैं। तो देखिए हमारी क्रीम हो रही है, हमने इसमें कोकोआ पाउडर और पाउडर शुगर डाल ली थी। जब ये हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा हर्षीज का शेक भी डाल लेंगे। हर्षीज डाल ले रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा यमी टेस्ट आने वाला है। यहाँ पर अंशु बीट कर रहे हैं क्रीम को, और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है क्रीम को करने में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं, इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, मम्मी इतना करती हैं। और बर्थडे भी है उनका, मतलब मम्मी को पता है कि हम लोग केक बना रहे हैं, पर कैसा बनता है, टेस्ट कैसा होता है उसका, वो तो मम्मी टेस्ट करके बताएंगी, तो देखते हैं। तो बस अब हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। देखिए तो हमारे 40 मिनट करीब हो चुके हैं, तो अब हम केक देख ले रहे हैं। को नाइफ की मदद मतलब से चेक करके देखेंगे कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बिल्कुल देखिए हमारी नाइफ बिल्कुल साफ है और ये हो चुका है बिल्कुल रेडी, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। चलिए बिल्कुल ही अच्छी तरीके से तैयार है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसका डेकोरेशन करेंगे। तो हमने केक को फ्रिज में रख दिया है, और अब यहाँ पे हमने हॉल को बंद कर लिया है, क्योंकि मम्मी को नहीं पता है कि मैं और अंशु क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो इस वजह से मेरा, अंशु का और पापा का गिफ्ट पैक हो रहा है, और मम्मी को नहीं पता है क्या गिफ्ट है। हमने हॉल को बंद कर लिया है और गिफ्ट पैक हो रहा है, तो अंशु पैकिंग कर रहे हैं। क्या गिफ्ट देने वाले हैं वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो अगर आपको गिफ्ट्स देखने हैं और सेलिब्रेशन देखना है कि किस तरीके से हुआ है, तो प्लीज़ वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, और मम्मी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको वीडियोस पहले से पहले मिल सकें। तो हमारे तीनों गिफ्ट्स रेडी हो गए हैं। ये दोनों में, एक ग्रीन पन्नी में मेरा है, एक में पापा का, और ये पिंक वाला अंशु का है। और अगर आपको
जानना है कि हम लोगों ने क्या गिफ्ट्स दिए हैं, तो बने रहिएगा वीडियोस में। चलिए, आपने वीडियो देखा है, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने कितनी मेहनत करी है केक में, कितने सुंदर सा केक बनाया था, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया है, लेकिन मैंने उसको कट नहीं किया था। आज मैं उसको ज़रूर कट करूँगी। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे आप लोगों को तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड बटन दी गई है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। तो बस आज हैप्पी रिपब्लिक डे और बाय।